हाँ जी दोस्तों, किद्दा फिर दोस्तों ये देखो, ये टायर साइड से कैसे फूल गया है। अब इसको चीरा देकर साइड में ये देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें से ये काले काले ब्लैक से रबर से निकल रही हैं। दोस्तों मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी टायर पंचर वाले की, वो रेडियल टायर के बारे में बता रहा था कि रेडियल टायर हवा भरी हुई थी गाड़ी में, रेडियल टायर में वो साइड से फूल गया था। वो कह रहा था इसको यहाँ से चीरा मार दो रेडियल टायर को हवा भरी हुई टायर में, तो ये एयर जो है साइड में आई हुई है ये बैठ जाएगी। दोस्तों वो बिल्कुल ही गलत बता रहा था, हवा भरे हुए टायर में चीरा साइड से नहीं मारना चाहिए एयर बैठाने के लिए, ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। हमेशा हवा निकली हुई टायर खाली टायर में ही ऐसा काम करें, नहीं तो हवा भरे हुए टायर रेडियल टायर वो तो स्पेशली रेडियल टायर में तो ये करना ही नहीं चाहिए। नायलॉन का टायर फिर भी ठीक है ऐसे करने के लिए, रेडियल टायर तो फट सकता है। वो यूट्यूबर सागर नोलानी गलत बता रहा था उस दिन कि रेडियल टायर को साइड से एयर आ जाए तो चीरा मार कर बिठा दो, नायलॉन का टायर फिर भी सही रहता है। ये देखें दोस्तों ये कैसे निकल रहा है साइड में से, ये रबड़ सी ये पूरा फूल गया साइड में से विक्रांत का टायर। रेडियल टायर में दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी भरा हुआ टायर हवा में गाड़ी भरी हुई। दोस्तों ये देखो ये मिचलन का रेडियल टायर है। मैं आज आपको बताऊंगा कि टायर कैसे खरीदते हैं सेकंड हैंड टायर पुराना। ये देखिए दोस्तों ये टायर ऊपर से बिल्कुल ही साफ सुथरा दिख रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुराना टायर कैसे ख़रीदते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो कभी भी टायर पुराना ख़रीदते वक्त। ये देखो दोस्तों साइडें भी बिल्कुल इस टायर की साफ़ सुथरी है, ऊपर से भी ये टायर बिल्कुल साफ नज़र आता है। कभी कभी आप लोग जिनके पास गाड़ियां हैं वो बंदोबंद ट्यूब समेत ही टायर ऊपर से देकर खरीद लेते हैं जाकर, ये बहुत ही गलत बात होती है। टायर को हमेशा अंदर भी देखना चाहिए। ये टायर देखने में देखो बिल्कुल ही साफ सुथरा नज़र आ रहा है साइडों से ऊपर से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस टायर में क्या नुक्स है, और ये टायर गाड़ी में चल ही नहीं सकता जो ओवरलोड चलाते हैं अपनी गाड़ियाँ, ये टायर ओवरलोड में तो चल ही नहीं सकता। ये मिचलन का एक्स गार्ड मॉडल का टायर है 2020 का। ये ऊपर से देखने में बिल्कुल ही साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है लेकिन इसमें बड़ा भारी नुस्खा है इस टायर में। ये देखिए दोस्तों ऊपर ऊपर से देखकर टायर मत लिया कीजिए। अब अगर इसके नीचे अंदर देखा जाए तो वो देखो कितना बड़ा कट लगा हुआ है, इतना लंबा कट लगा हुआ है 1.5 इंच का। ये देखिए दोस्तों कट, ऊपर से तो बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा था कि इसमें कट लगा हुआ इतना बड़ा वो भी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर से कट लगा है, इस जगह पर कट लगा हुआ है नीचे अंदर। और देखिए दोस्तों जहाँ पर रेडियल टायर में कोई निशान लग जाए तो साइड में वो फूल जाता है, ये यहाँ पर फूल भी गया साइड में से। देखो साफ साफ नज़र आ रहा है, ऊपर से तो पता भी नहीं लग रहा कितना बड़ा कट हो गया इस टायर में। ये मिचलन का एक्स गार्ड सीरीज का टायर है। और दोस्तों और कैसे टायर खरीदते हैं मैं आपको बताऊंगा, ये आखिरी में देखते रहना आखिर तक।
ये है विक्रांत का टायर। ये देखो इसमें ये नुस कैसे पड़ा हुआ है, इसकी गुटी जड़ से ही टूट गई है, नीचे पलाइया नज़र आ रही है। ये भी चल सकता है ट्राली में टायर, गाड़ी में भी चल सकता है क्योंकि सेंटर कुछ सेंटर चलना होता है, साइड तो गुड्डी टूट ही जाती है। अगर कोई चीज़ लग गई उस पर ये टायर फट सकता है। फट तो नए नए टायर जाते हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ता है आखिर गाड़ी वालों को। तो दोस्तों ये देखो, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये आजकल जो नए टायर चले हैं जे सारी कंपनी के IRVs के, इस पर ना अब ये नए मॉडल के डिज़ाइन लिखा आता है, IRVs की जगह अब कुछ और लिखा आता है। ये है JD C3 का JK का रेडियल टायर, ये 70-75 रुपये है गुड्डी के। हमारे पास 3 टायर आए थे। ये देखिए दोस्तों, ये बेदाग टायर है बिल्कुल, इसमें 1020 की जगह कुछ और लिखा आने लगा है सारे टायरों में नए जो आ रहे हैं। ये इस पर लिखा है 295-90R20। अब 1020 की जगह कंपनियां ने ये नंबर लिख दिया कि 295-90R20। अब ऐसे नंबर लिख कर टायर आने लगे हैं। नाइलॉन में दूसरे नंबर लिखे जाते हैं, रेडियल में 295-90-20 आता है। और ऐसे ही टायर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री में मेरे चैनल को। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पास गाड़ी है क्या, आप टायर वाले हो क्या, आप टायर वाले हो कि आपके पास गाड़ी और ट्रक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।